500 KVS का जो आपका रिजल्ट्स है, PRT म्यूज़िक और उसके साथ साथ जो आपके प्रिंसिपल्स थे उनका रिजल्ट्स आ चुका है। तो कैंडिडेट्स की यही यही कमेंट आए हुए थे कि मैम KVS की जो कट ऑफ है वो क्या गई है और उसके साथ साथ जो भी किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही अवेलेबल हो पाती है। पहले देख लेते हैं जी, टोटल वैकेंसी 303 थी PRT म्यूजिक की और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं 969 यानी कि 3.13 कैंडिडेट्स को, यानी कि 3 गुना से कुछ कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाए गए हैं। और कैटेगरी के वाइज अगर देखें तो जनरल की जो है वैकेंसी 124 थी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स 201 है, यानी कि 1.62 टाइम्स जनरल के बुलाए गए हैं। आपके EWS के देखे तो 30 वैकेंसी थी और आप देख सकते हो कि कैटेगरी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, 159 है, यानी कि 5.3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। OBC कैटेगरी में वैकेंसी थी आपकी 81 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया, 341 को, यानी कि 4.2 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। SC में आपकी वैकेंसी 46 थी और कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं 199, यानी कि 4.3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके बाद है आपकी ST है, उसमें वैकेंसी 22 थी, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया 68, यानी कि 3.9 कैंडिडेट्स टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। जो PRT KVS PRT की इंटरव्यू डेट है वो आपकी 1-4 रखी गई है, यानी कि 1-4 मई तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। KVS के प्रिंसिपल की जो इंटरव्यू डेट है वो 1 मई 2027 आपकी जून तक रखी गई है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हैं फॉर इंटरव्यू के लिए PRT के 969 है, प्रिंसिपल के 784 हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट्स हैं आपके किस किस पोस्ट किस किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपके EWS कैटेगरी से बुलाए गए हैं 5.3 टाइम, और सबसे कम आपके जो कि ज़्यादा होने चाहिए, जितना भी मतलब जनरल के आपके ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही कम, यानी कि सबसे कम जो है जनरल के कैंडिडेट्स हैं 1.62 टाइम्स इनको बुलाया गया है। बाकी और अदर कैटेगरी के हैं उनके 3 पॉइंट, किसी के 4 पॉइंट, और सबसे ज़्यादा EWS के 5.3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो इसके हिसाब से आप भी देख सकते हो कि आपकी आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें कितनी पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो और किस कैटेगरी में हो, तो उसी के हिसाब से आपको एक अंदाजा क्राइटेरिया लग जाएगा कि हाँ इतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू सो मच।